ये हमारा गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर है, जैसा कि आप देख सकते हो। नाइट रिस्पांस के लिए हम पार्किंग में जा रहे हैं, ताकि आपको एम्बिएंट लाइट का आपको बता सकें कि रात को कितना अच्छा रिस्पांस आएगा। तो ये हमारी एम्बिएंट लाइट का रिस्पांस आएगा नाइट टाइम में। इसके अंदर हमने सेट ऑफ 6 पीस की एम्बिएंट लाइट लगाई है, 2 पीस आगे डैशबोर्ड पे, 4 दरवाजों में। अब इसकी हम फॉग लैंप आपको ऑन करके दिखाते हैं। ये हमारे फॉग लैंप का थ्रो है, ये फॉग लैंप का रिस्पांस है, और ये हमारी हेडलाइट जल गई है। फॉग लैंप बंद करेंगे, ये हेडलाइट है हमारी हाई बीम लो बीम। तो ये सारा सेटअप हमने इसके अंदर करा है, बाकी आपको डिटेल आपको बता देंगे इसके अंदर हमने और क्या क्या करा है इसके अंदर। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक विद अ बुलेरो। इसका इंटीरियर हमने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल करा है। ये हमारी जो बुलेरो है ये डार्क एडिशन में रेडी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी कार टिंट है। कस्टमर की अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को टिंट करनी है कार, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो उन्होंने अपनी गाड़ी पहले टिंट करा रखी थी, और उन्होंने मेरे को बोला था कि भैया मेरे को गाड़ी जो करनी है बिल्कुल ब्लैक विद ब्लैक इंटीरियर करनी है, तो उसके हिसाब से हमने रेडी करी है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी BS6 मॉडल गाड़ी है, 2024 मॉडल है, जिसके अंदर डिजिटल मीटर आता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने हाई पावर LED लाइट्स लगा रखी हैं इसके अंदर 220 वॉट की, और नीचे हमने लगा रखे हैं जेमर के प्रोजेक्टर। आउटर के अंदर हमने सिर्फ ये दो काम कर रखे हैं फ्रंट प्रोफाइल के अंदर। गाड़ी के साइड प्रोफाइल के अंदर हमने जो इसके डेकल आते हैं वो रिमूव कर रखे हैं। बिल्कुल गाड़ी आप देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, व्हाइट एंड ब्लैक का। इसके अंदर हमने यहाँ पे एक ये मैट फिनिश में आता है, इसको हमने पियानो डिप कर रखा है। टेल लाइट हमने इसकी स्मोक कर रखी है। तो यही हमारा इस गाड़ी का आउटर काम है। जो हमारा काम हमने कर रखा है इसका इंटीरियर कर रखा है। इंटीरियर पूरा कस्टमाइज है, पूरी गाड़ी हमारी साउंड प्रूफ है, कंप्लीट इंटीरियर हमारा डेप है। तो सबसे पहले आपको इसका इंटीरियर चेकआउट कराते हैं, इसके इंटीरियर के अंदर हमने क्या काम कर रखा है। अब जैसे मैंने आपको इसका इंटीरियर बताया था कि कंप्लीट ब्लैक लेदर विद पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ हमारी पूरी गाड़ी रेडी हुई है, कंप्लीट ब्लैक विद ब्लैक कॉम्बिनेशन में। इसके अंदर हमने इसकी जितनी भी फिटिंग्स आती हैं इसको रिमूव करके सब लेदराइट फिनिश के अंदर करी है इसके अंदर, और क्विल्टिंग पैटर्न कर रखा है हमने इसके अंदर, डायमंड पैटर्न के अंदर पूरी गाड़ी रेडी हुई है हमारी। गाड़ी हमारी कंप्लीट डैम्प भी है, कंप्लीट डबल लेयर डैम्पिंग कर रही है अपने सिटी के ब्रांड की, इंटरनल एक्सटर्नल डोर्स पे, पूरे नीचे फ्लोर पे, रूफ पे, ताकि जो रोड नॉइज जो होती है कार के अंदर वो कम हो और दिक्कत ना आए गाड़ी के अंदर। रस्टिंग की भी जो प्रॉब्लम आती है वो चीज़ भी दिक्कत ना आए, और जो हमारा साउंड है वो भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है। अब बात करेंगे इसकी इंटीरियर प्रोफाइल के अंदर। इंटीरियर में हमने इसका पूरा डैशबोर्ड भी पूरा ब्लैक कर दिया, मैट ब्लैक के अंदर, और जितने भी यहाँ पे वुडन होता है उसको हमने पियानो डिप कर दिया। इसके अंदर हमने स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल वाला स्टीयरिंग भी लगा रखा है इस गाड़ी के अंदर, और जो प्लेयर हमने इसके साथ यूज़ कर रखा है वो हमने यूज़ कर रखा है ब्लॉपंगा जमैका। गाड़ी में जो लुक आ रही है काफ़ी प्रीमियम लुक आ रही है, ब्लैक इंटीरियर के बाद ऐसा फ्लोटिंग स्क्रीन वाला हमारा लगाओ म्यूज़िक सिस्टम, तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल इसकी लुक एंड फील आती है। अब आपको मैं पूरा इंटीरियर दिखाना चाहूँगा अंदर से। पूरी इसकी हमने रूफ ब्लैक कर रखी है स्वेट वेलवेट के अंदर, वो भी डायमंड क्विल्टिंग के साथ है। अंदर हमारा पूरा इंटीरियर जो है, सीटें, हर चीज़ जो है एक थीम के हिसाब से रेडी हुई है, ब्लैक एडिशन के हिसाब से। इवन तक हमने इसके जो बेल्ट आती है वो भी ब्लैक कर रखी है, जो जेन्युइन बेल्ट आती है उसी को हमने पेंट करा दिया, ताकि वो ब्लैक टोन में आए, ताकि गाड़ी में कहीं भी कोई दूसरा कलर ना दिखे कार के अंदर। इसके सनफ्लैप वगैरह भी हमने पूरे ब्लैक कर दिए हैं, मिरर ब्लैक कर दिए, कंप्लीट छोटी सी छोटी चीज़ होती है जैसे हैंड ब्रेक होती है वो भी पूरी हमने ब्लैक कर रखी है, गियर नॉब वगैरह सारा कुछ ब्लैक कर रखा है। अब जो इसकी सीटें हमने रेडी करी हैं, एक्स्ट्रा पैडिंग फोमिंग के साथ हमने सीटें रेडी करी हैं, सेंटर में परफोरेशन वाला डिज़ाइन है, और इसके अंदर हमने स्कॉर्पियो वाले आर्मरेस्ट भी एड ऑन कर रखे हैं इस गाड़ी के अंदर। ये तो हमारी फ्रंट प्रोफाइल की बात है, अब रियर प्रोफाइल की बात करेंगे। तो रियर सीट के अंदर भी यही थीम, यही कॉम्बिनेशन है हमारा। जैसा कॉम्बिनेशन हमारा आगे था वैसा ही हमारा रियर के अंदर भी है। पीछे की सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और रिक्लाइन कर दी हमने, एक स्टेप पीछे कर दिया, ताकि पीछे वाला जो पैसेंजर हो वो अपनी जर्नी को एंजॉय कर सके और काफ़ी कंफर्टेबली बैठा रहे गाड़ी के अंदर। रूफ की आप पूरी फिटिंग देख सकते हो, साइड के जितने भी ग्रैब हैंडल है वो सारे पियानो फिनिश के अंदर हो रखे हैं। गाड़ी में एम्बिएंट लाइट लगी है, साउंड के अंदर हमने अभी स्टॉक स्पीकर ही लगा रखे हैं। अभी एक्सटर्नल स्पीकर की हमने कटिंग यहाँ पे अभी करवाई कस्टमर ने, तो अभी डिसाइड करेंगे क्या लगना है क्या नहीं लगना। तो अभी जब कस्टमर आएंगे तब डिसाइड करेंगे स्पीकर कौन से हमने इसके अंदर लगाने हैं। मैट्स भी आप देखोगे वो भी हमारे ब्लैक विद ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। तो गाड़ी के अंदर जितना भी काम हो रखा है एक थीम के हिसाब से हो रखा है। कस्टमर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे को गाड़ी जो चाहिए बिल्कुल ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक के हिसाब से जितना हम जस्टिफाई कर सकते थे उस हिसाब से हमने पूरी गाड़ी रेडी कर रखी है। अगर आपको भी अपनी गाड़ी ऐसे मॉडिफाई करानी हो तो आप आ सकते हो बिंद्रा मोटर्स पे, जो जनकपुरी डेली आर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है। थैंक यू सो मच।